मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बना उसी का थ्रू में आप लोगों को व्यू देता हूँ बाइसेल का। तो उसको कल के लिए मतलब 5th अगस्त 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, उसका बाइसेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। ये बाई अप लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहेगा और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। ऐसे ही सेल बिलो लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से लेकर टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। इसका अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है। और ये अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल में आप लोग गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर ले सकते हैं और प्रॉफिट मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट स्टॉप लॉस अपने हिसाब से इंट्राडे में आप लोग जो रखता है उसमें रख सकता है। ये सोच लीजिए कनाडा बैंक 232 या 233 के ऊपर जाएगा तो ये 235 के आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। 235 के ऊपर 239 के अंदर आएगा मतलब उस साइड में आप लोग ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। ये जो मेरा फाइल है इसमें जितना FNO स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का लेवल रहता है, जो फ्यूचर्स जो स्टॉक्स है उसका पूरा फ्यूचर्स का लेवल रहता है और कमोडिटी का लेवल रहता है। ये फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे और मैं भेज सकता हूँ और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर सकता हूँ। आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे मतलब ये बाय सेल लेवल से आप लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका परसेंटेज शेयर करना है और कुछ नहीं। और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग इधर नोट कर सकता है। मैं कुछ फ्यूचर्स का लेवल भी दिखाता हूँ आप लोग को ऐसे ही एट रैंडम, कोई सिलेक्शन नहीं है। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। कमोडिटी का लेवल आप नोट कर सकते हैं आप लोग। और इधर जो मैंने जो बोला उसमें कैसे ट्रेड करना है इसका रूल्स लिखा हुआ है, ये आप लोग नोट कर सकता है। और ये मैं जो चार्ट का सेटअप है तो उसमें से जो कॉल्स मिलेगा वो आप लोग को भी प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप लोग सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे तो। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।